10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। सासाराम और नालंदा में हिंसक झड़प के बाद चप्पे चप्पे पर जवान, स्थिति पूरी तरह से काबू। शैक्षणिक संस्थाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। नालंदा में कल देर शाम एक बार फिर से दो गुटों में हिंसक झड़प और गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक की मौत हुई और दो के घायल होने के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। झड़प के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी और जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं धारा 144 लागू कर दी गई है और अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मामले में 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, नालंदा की तरह ही सासाराम में भी तनाव बना हुआ है। हालात पूरी तरह से काबू में है, कहा यह जा रहा है। सासाराम कल शाम वहां पर ताजा हिंसा भड़कने के बाद बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट में 6 लोग घायल हुए। सासाराम में विस्फोट एक झुग्गी के पास हुआ था और इलाके से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके पर पहुंचे हुए हैं और धमाके के सबूत खंगालने की कोशिश की जा रही है। धमाके को लेकर जांच जारी है। रामनवमी में आपको बता दें कि सासाराम में हिंसा भड़की थी। इस दौरान कल शाम को भी धमाके के बाद लोग काफी डरे हुए और खौफ में नजर आए। धमाके के कनेक्शन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अफवाह फैलाई गई है और लोगों को भड़काया गया है। सासाराम में भी 30 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, रामनवमी के मौके पर हावड़ा में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर हमला बोला है। कहा बंगाल जल रहा है, ममता दीदी सो रही हैं। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल में राम भक्तों पर पथराव हो रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है और ममता दीदी चुप हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने वाली ममता दीदी पत्रकारों की पिटाई पर होठ क्यों सिले बैठी हैं, जवाब क्यों नहीं देती हैं। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता राजू झा को बदमाशों ने उनके कार रोककर दिन दहाड़े गोलियों से भूना। फायरिंग में राजू झा के 2 साथी भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गापुर के बिजनेसमैन राजू झा अपने कुछ सहयोगियों के साथ कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान शक्तिगढ़ इलाके में एक हलवाई की दुकान के बाहर अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक कार में राजू झा समेत 3 लोग सवार थे। आरोपी के मकसद का पता नहीं चल पाया है। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हैं। 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुवाहाटी में हुंकार भरेंगे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी दौरे के दौरान सीएम केजरीवाल कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल की असम यात्रा से को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। केजरीवाल के दौरे को लेकर असम सीएम हेमंत बिस्वा ने चेतावनी जारी की है कि रैली में मेरे खिलाफ बोले तो मानहानि का केस करेंगे। आपको बता दें कि सीएम हेमंत शर्मा ने केजरीवाल को चुनौती दी थी, हिम्मत है कि आरोपों को एक बार असम में आकर लगाएं। 10 बजे की 6ठी ब्रेकिंग न्यूज, यूपी निकाय चुनाव से पहले बसपा की बड़ी बैठक, इस वक्त की यह बड़ी खबर। आपको बता दें 2024 और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हो गया। थोड़ी देर में बीएसपी की ये बैठक शुरू होने वाली है। 10 बजे की ये 6ठी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। बैठक में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के विभिन्न अभियानों की समीक्षा भी की जाएगी। अब से थोड़ी देर में बसपा कार्यालय में ये बैठक शुरू होने वाली है। मीटिंग का मुख्य फोकस निकाय चुनाव की तैयारी पर होगा। साथ ही बैठक में गांव-गांव चल रही अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। खबर है कि मीटिंग के दौरान प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता पर कोई फैसला लिया जा सकता है। 10 बजे के 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में आज एमबीए की रैली है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है। एमबीए की रैली आज शाम मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में होगी। रैली में उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, नाना पटोले शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की सावरकर गौरव यात्रा सावरकर चौक से शुरू होगी, जो एमबीए रैली की जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि रैली और यात्रा के रूट और स्थान अलग अलग हैं। दोनों आयोजनों के लिए लगभग 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। 7 महीने बाद दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 2895 टेस्ट से 416 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कोरोना वायरस के मामलों की संक्रमण दर बढ़कर 14% के पार हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मौत का कारण कोरोना नहीं है। 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका में भयंकर तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। साथ ही पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के द्वारिका में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वकील को गोली मारी। सीसीटीवी में आरोपी दिख रहे हैं। हत्या के पीछे निजी रंजिश बताई जा रही है।